हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में आर एनवायरनमेंट का एक इंट्रोडक्शन दिया था और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं इकोसिस्टम क्या होता है? सो इकोसिस्टम बेसिकली एक यूनिट होती है जिसके अंदर हमारे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के कॉम्पोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, सो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इकोसिस्टम के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या क्या, लिविंग और नॉन लिविंग। जो लिविंग कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनको हम बायोटिक भी कहते हैं और जो नॉन लिविंग होते हैं उनको एबायोटिक। तो लिविंग में क्या क्या आ जाएंगे मेरे? प्लांट्स है ना, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग है उसमें क्या क्या आ जाएंगे? सॉइल, एयर, वाटर। ठीक है, सो बेसिकली यही सब मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। एग्जांपल्स क्या है इकोसिस्टम के? एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, एक रिवर इकोसिस्टम है, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। आप देखोगे तो क्या होता है, रिवर में क्या क्या मिलेगा आपको? वाटर है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। आपको स्टोन्स वगैरह भी मिलेंगे, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। आपको फिश मिलेंगी, लिविंग कंपोनेंट है। आपको वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, लिविंग कंपोनेंट है। समझ आया? ठीक है, अब जो इकोसिस्टम होते हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। क्या क्या? नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैनमेड इकोसिस्टम। जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है नेचर के थ्रू डायरेक्टली आया है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, मैनमेड का एग्जाम्पल बता सकते हैं आप मेरे को? पार्क हमने ही तो बनाया है, एक्वेरियम हमने ही तो बनाया है। सो दीज आर ऑल मैनमेड इकोसिस्टम। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम में लिविंग कॉम्पोनेंट्स होते हैं। अब जो लिविंग कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनको हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होते हैं क्या? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या हुए? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर नोन एज कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिज्म मीन्स सिंथेसिस। सो जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। क्या होते हैं कंज्यूमर्स? अब कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते, लेकिन वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर, मतलब प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हम ये भी तो बोलते हैं, जैसे कि हमने बोला कि ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो प्रोड्यूसर हुए। हमारी मम्मियाँ भी तो हमारा अपना खाना खुद बना सकती हैं कि, तो क्या वो भी प्रोड्यूसर हुई? सो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा, क्यों हम अपनी मदर्स को प्रोड्यूसर्स नहीं कहते हैं। ठीक है, why only green plants are considered producers? ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर आपको बताऊंगी, बट अभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा, जो कंज्यूमर्स हैं वो तीन में डिवाइड किए हमने, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि हमारी काउ, ठीक है, बफेलो, ये सब क्या है? हर्बीवोर्स है। कार्निवोर्स, ये इनको हम प्लांट ईटर्स कहते हैं, ये होते हैं फ्लैश, फ्लैश मतलब मीट ईटिंग एनिमल्स, जैसे कि लायन, टाइगर। ठीक है, ओमनीवोर्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खा सकते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और ये मीट भी खा सकते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स ही ले लो, मैन सब खा सकता है, डॉग सब खा सकता है, राइट? अच्छा, लास्ट में आते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, आप डीकम्पोजर्स, ये जो थर्ड ग्रुप है वो है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स बेसिकली क्या करते हैं? दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मर जाते हैं उन पे। ठीक है,
इनका काम क्या होगा, एक तो ये एनवायरमेंट को क्लीन करेंगे, जो भी डेड बॉडीज हैं उन सबको खाते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं उनका सिंपलर फॉर्म्स में, राइट। दूसरा क्या करते हैं, जैसे मान लो एक प्लांट ग्रो किया, उसने क्या किया, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लिए, ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअली उसके फ्रूट में पहुंचे, वो फ्रूट हमने खाया या किसी ने भी खाया, एक्स वाई जी एनिमल ने खाया, अब या तो उस प्लांट की डेथ हो गई या फिर वो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई, तो क्या होगा, वो सारे न्यूट्रिएंट्स डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज कर देंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में चले गए, तो सॉइल के अंदर वापस न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट हो गया, राइट। सो डिकम्पोजर्स का काम होता है न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प कर रहा है बेसिकली ये, राइट। आई होप आपको ये इकोसिस्टम वाला चीज़ क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी इशू है आप बताइएगा, और आप वो वाला आंसर ज़रूर कीजिएगा कि वाई आर मदर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर्स। थैंक यू।